हेलो गाइस, 2023 आ चुका है और आप यहाँ पर 2023 में गूगल पे बिजनेस ऐप में यहाँ पर एक नया अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो को दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको गूगल पे बिजनेस ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप लिंक के थ्रू यहाँ पर गूगल पे बिजनेस ऐप में अकाउंट बनाते हैं तो और यहाँ पर पेमेंट रिसीव करते हैं तो यहाँ पर आपको इस ऐप की तरफ से कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहां पर गूगल पे बिजनेस पर आ जाओगे, अब आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, फिर आपको इस ऐप को ओपन करना। अब जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे, आपके सामने इसका कुछ इस प्रकार इंटरफेस होगा। अब यहां पर आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब दोस्तों, यहां पर यह ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, यानी आप जिस भी जीमेल आईडी से यहां पर गूगल पे में अकाउंट बनाना चाहते हैं आपको वही जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर लोकेशन को यहाँ पर अलाउ कर देना है व्हाइल यूजिंग द ऐप। अब यहाँ पर ओके करना। अब दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेट अप बिजनेस एज ऑनर। तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये बिजनेस डिटेल एंटर करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर जो बिजनेस में आप जो भी नेम रखना चाहते हैं आपको नेम एंटर करना है। और यहाँ पर आपको अपना शॉप नेम, आप यहाँ पर कोई भी नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जो आपका नेम हो। फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, आपको यहाँ पर अपना नेम फिर से एंटर करना है। और टाइप ऑफ बिजनेस में यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब दोस्तों, यहाँ पर एक कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर गूगल पे बिजनेस का जो मर्चेंट QR कोड बन रहा है आप उसकी क्या कैटेगरी रखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर फूड एंड रेस्टोरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बहुत सी कैटेगरी आ चुकी हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, केक शॉप्स। तो जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, अब यहाँ पर ये एड्रेस एंटर करने के लिए बोलेगा, तो आपका जो भी पिन कोड हो पिन कोड एंटर कर देना है। और आपको अपने एरिया का नाम, विलेज जो भी हो और सिटी एंटर कर देना, स्टेट यहाँ पर कंटिन्यू करना। लेकिन अभी यहाँ पर कंटिन्यू नहीं होगा, यहाँ पर आपको कन्फर्म ऑन मैप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। आपका यहाँ पर मैप ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको कन्फर्म लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब दोस्तों, यहाँ पर यह लोकेशन कन्फर्म हो चुका है, इस बॉक्स पर टिक करना है, कंटिन्यू करना। अब दोस्तों, यहाँ पर यह ऑप्शनल है, यहाँ पर आप कुछ एंटर ना करें, बस यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर यह मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप अपने गूगल पे बिजनेस ऐप में जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया, कंटिन्यू वाला ऑप्शन आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब आपने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर एंटर किया है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वही OTP यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप पैन कार्ड का, यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है, और यह ऑप्शनल है, यहाँ पर आप कुछ एंटर ना करें। तो जैसे अपलोड, जैसे आपका जो पैन कार्ड होता है उसको आपको फ्रंट साइड ही यहाँ पर अपलोड करना है, यानी आगे का केवल एक आगे का यहाँ पर फ्रंट साइड ही आपको अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का जो भी नंबर है वह यहाँ पर एंटर करना है। तो आप जिसका बैंक यहाँ पर गूगल पे में लिंक करोगे आपको उसी का पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है, तो जल्दी अप्रूव होगा। तो हमें यहाँ पर अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर लेते हैं फ्रंट साइड का, और यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करते हैं, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर यह बैंक डिटेल एंटर करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, यानी यहाँ पर गूगल पे बिजनेस में यहाँ पर आपका एक QR कोड बन जाएगा, मर्चेंट QR कोड। अब जो उसमें पैसे आएंगे, आप उस पैसे को किस बैंक में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक का यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है, और यहाँ पर IFSC कोड एंटर कर देना है, और फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो जैसे हमने यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर, IFSC कोड एंटर कर फाइंड किया, यहाँ पर यह सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गूगल पर इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको ऊपर स्किप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको स्किप कर देना। अब यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन को फ्लैट कर कंटिन्यू करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एक समरी आ जाएगा, सब कुछ सही है, आपको यहाँ पर कुछ भी गलत सो रहा हो तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको हम जैसे हम यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
अब जैसे ही हमने यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं योर बिजनेस इज अंडर रिव्यू, यानी जो हमारा बिजनेस है वो अंडर रिव्यू में जा चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ घंटे वेट करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 घंटे वेट किया और हमारा यहाँ पर जो गूगल पे का बिजनेस अकाउंट है वह सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऐप का कुछ इस प्रकार इंटरफेस होगा। आप यहाँ पर इस ऐप में रेफ़र करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू यहाँ पर इसमें अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ पर आप जैसे मेरा QR कोड पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर आपका QR कोड शो होगा। तो आपको इस QR कोड पर यहाँ पर पेमेंट रिसीव करना है मिनिमम 21 रुपये का। तो आपको यहाँ पर गूगल पे की तरफ से कैश बैक मिलेगा और आप इस QR कोड को शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं और यहाँ से आप रेफ़र करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप यहाँ पर गूगल पे में यहाँ पर गूगल पे बिजनेस में अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पर आपको QR कोड भी मिल जाता है और यहाँ पर आप रेफ़र करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।